दोस्तों इंटरिम बजट 2019 में इनकम टैक्स से संबंधित कई बदलाव किए गए हैं जो नए फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की शुरुआत के साथ ही लागू हो गए हैं। इन नए नियमों के चलते अब नए फाइनेंशियल ईयर में बजट कैलकुलेशन भी अलग होगी। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त पुराने नियमों के हिसाब से ही टैक्स कैलकुलेशन होगी। इन बदले हुए नियमों में से एक नियम है दूसरे सेल्फ ऑक्यूपाइड घर को टैक्स फ्री कर देना। सरकार ने अब किसी व्यक्ति के दूसरे सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान को भी टैक्स फ्री कर दिया है। अभी तक यह नियम था कि आपके दूसरे मकान में भले ही आपके परिवार के सदस्य रह रहे हों, यानी आपने मकान किराए पर ना दिया हो, फिर भी उस मकान पर आसपास के एरिया के मुताबिक रेंट कैलकुलेशन होता था। इसी पर सरकार टैक्स कैलकुलेट करती थी, लेकिन अब इस दूसरे मकान को केवल किराए पर उठाने पर ही टैक्स देना होगा। यानी अगर दूसरे मकान में परिवार के सदस्य रह रहे हैं या वो खाली है तो कोई रेंट टैक्स नहीं बनेगा। लेकिन ये नियम सिर्फ दो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के लिए बदला गया है। अगर किसी इंसान के पास तीन घर हैं और उस तीसरे मकान पर पहले की तरह ही टैक्स देना होगा। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए भी असेसमेंट ईयर 2019-20 में दूसरे घर पर टैक्स देना होगा। आज के वीडियो में हम नोशनल रेंट के बारे में ही बात करेंगे, तो आइए जानते हैं कि इस नोशनल रेंट की कैलकुलेशन कैसे होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों इनकम टैक्स 1961 के तहत अगर आप किसी मकान से किराया नहीं कमा रहे हैं फिर भी ये मान लिया जाए कि आप उस घर से रेंट कमा रहे हैं तो उसे नोशनल रेंट कहा जाता है। नोशनल रेंट के पीछे का मेन मोटिव यही था कि टैक्स पेयर्स घर को खाली ना छोड़ें और टेनेंट्स के लिए प्रॉपर्टीज़ की सप्लाई होती रहे। नोशनल रेंट निकालते टाइम तीन बातों को ध्यान में रखा जाता है, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। किसी भी एरिया में दूसरे घर जिस पर रेंट जिस रेट पर किराए पर दिए जाते हैं उसको फेयर रेंट कहते हैं। किसी भी एरिया की म्यूनिसिपल अथॉरिटी द्वारा तय की गई हाउस प्रॉपर्टी का रेट उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू होती है। रेट कंट्रोल एक्ट के मुताबिक कोई भी व्यक्ति या अथॉरिटी स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा रेंट नहीं वसूल सकता। मान लीजिए कि किसी एरिया में किसी घर का फेयर रेंट 2,40,000 है और म्यूनिसिपल वैल्यू 1,80,000 रुपये है और स्टैंडर्ड रेंट 3,00,000 रुपये है, तो टैक्स के नियम के हिसाब से फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में से बड़ी रकम को एक्सपेक्टेड रेंट माना जाएगा। इसीलिए इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट 2,40,000 रुपये होगा। अब आप इस फिगर को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करिए और इन दोनों फिगर में से जो भी लोअर वाला होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट माना जाएगा। यानी कि इस एग्जाम्पल में 2,40,000 जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट माना जाएगा। दोस्तों इनकम टैक्स में असल खर्चे आमदनी में से घटाने के बाद ही टैक्सेबल रकम निकाली जाती है। इसीलिए इस एक्सपेक्टेड रेंट में से आपके द्वारा पे किए गए म्यूनिसिपल टैक्स को घटाने के बाद ही नेट एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी। मान लीजिए आपको इस साल 30,000 रुपये का म्यूनिसिपल टैक्स देना है लेकिन आपने सिर्फ 20,000 रुपये का ही भुगतान किया है। ऐसे में आप सिर्फ 20,000 रुपये ही टैक्स के नाम से घटा सकते हैं, ना कि 30,000 रुपये, क्योंकि इनकम टैक्स में जितनी आपके द्वारा पेमेंट की गई है सिर्फ उसी रकम को घटाया जा सकता है। साथ ही इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस साल के म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया है। ग्रोस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल वैल्यू घटाने के बाद नेट एनुअल वैल्यू आती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए नेट एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से घटाया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने घर पर लोन लिया है तो आप ब्याज की 2,00,000 रुपये तक की रकम को नेट एनुअल वैल्यू में से घटा सकते हैं। ये दोनों खर्चे घटाने के बाद ही आपके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी जिस पर आपको आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। 30% की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस के लिए दी जाती है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 2.20 लाख का 30% बैठेगा 66,000 रुपये और 66,000 रुपये की रिडक्शन मिलेगी। और इसी वजह से इस 66,000 की रिडक्शन के बाद जो आपका एनुअल टैक्सेबल रेंट होगा वो घटकर रह जाएगा 1,54,000 रुपये।
अगर आपने घर पर लोन लिया है तो उसके ब्याज की डिडक्शन भी मिलेगी आपको। सपोज कीजिए आपने 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया अपने घर के लोन पर, तो जो आपका लॉस होगा वो होगा 3,46,000 रुपये का, पर आप एक ईयर में सिर्फ 2 लाख का अमाउंट ही सेट ऑफ कर पाएंगे। बाकी का जो अमाउंट 1,46,000 बचा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप नोशनल रेंट कैलकुलेट करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।